एटीएम से अब आपने रुपए तो निकलते देखे होंगे, लेकिन अब गुरुग्राम में एटीएम से राशन डिपो पर राशन निकलेगा। फरुख नगर में देश का पहला ग्रीन एटीएम खुला है, जिससे आधार नंबर और राशन कार्ड नंबर डालने पर मशीन से अनाज निकलेगा। हरियाणा सरकार ने अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत देश का पहला ग्रीन एटीएम गुरुग्राम के फरुख नगर राशन डिपो में लगा दिया है। अब अन्य शहरों में भी ग्रीन एटीएम लगाए जाएंगे। राशन डिपो पर ये मशीन कुछ दिनों पहले ही यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत में लगाई गई है, और ये एक प्रकार से जैसे हम पैसे बैंक से एटीएम से निकालते हैं, उसी के प्रोसेस के हिसाब में ये बनाई गई है, ताकि उपभोक्ताओं को उनका जो वज़न है, उसका वेट है, वो एक्चुअल में मिल सके, और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइश न रहे। इसके अलावा इस मशीन के अंदर दो चैम्बर हैं जो एक एक क्विंटल के हैं। एक क्विंटल इसमें गेहूं का है, एक है चावल का। फिलहाल एक क्विंटल जो गेहूं वाला है वही चैम्बर चालू है, और इसमें ऐसा है कि इस मशीन के द्वारा जो अपने जो भी कोई उपभोक्ता आएगा वो अपना फिलहाल तो ये